सपने में कौवे को बैठे हुए दिखाई देना, यह एक अशुभ सपना होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। हमें सपने क्यों आते हैं, इसके पीछे कारण होता है हमारा जो शरीर होता है पंच महाभूत तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा से मिलकर बना हुआ होता है, और इसे ही प्राण शक्ति बोलते हैं। प्राण शक्ति के ऊपर में आत्मा का वास होता है। जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं तो हमारा शरीर सो जाता है, परंतु हमारी आत्मा जागृत अवस्था में होती है। हमारी आत्मा के कारण हमारी जो बुद्धि जो तीन तरह की होती है, चेतन अवचेतन अतिचेतन, जो हमारे द्वारा भूतकाल में किए गए कार्य या वर्तमान काल में हम जो कार्य करते हैं उसको जोड़कर एक समुचित फल स्वप्न फल के माध्यम से बताने की कोशिश करती है। यह संकेत देती है कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छे स्वप्न फल आते हैं, और बुरे कार्य करते हैं तो बुरे स्वप्न फल आते हैं। तो स्वप्न में कौवे को बैठे हुए दिखाई देना यह एक अशुभ सपन है। यह मानसिक निराशा को प्रदर्शित करता है, दुर्घटना होने की ओर भी संकेत करता है, विपत्ति एवं समस्याओं का आपके जीवन पर आगमन को प्रदर्शित करता है, और आने वाले समय में आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी हो सकते हैं या रोग बढ़ सकता है आपका। तो कुल मिलाकर यह एक अशुभ सपन है, और इस अशुभ सपन को दूर करने के लिए आपको अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, गायत्री मंत्र का ध्यान करना चाहिए, ताकि इसके नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाए और सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे अधिक प्रभावी हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल पे बहुत सारे सपनों का मीनिंग बताया गया है, आप प्लीज़ इस पे विजिट कीजिए और बहुत सारे सपनों का मीनिंग जानिए और उसका लाभ उठाइए। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग प्रदान करे। धन्यवाद।